Nowadays it is very cold, so take care of yourself. Wear woolen clothes, take healthy diet. The chapter which we are going to read today is based on healthy diet or junk food. Okay, so today we are going to study English text. English text, that is English 1, and the name of the chapter is chapter 11, Burgerland. Chapter 11, Burgers of Burgerland. So, this chapter is based on the difference between healthy food and junk food. Hai na? There was a food outlet of Roger. Outlet means a shop. Hai na? A shop or a restaurant type jo bhi of uska kaun hai? Uska kiski hai wo? Roger karke ek man hai. Name man Roger. Hai na? He used to make delicious burgers. Hai na? Bahut tasty burgers banata hai, and people like his burger very much. They regularly came to his outlet. Hamesha uske regularly uske us pe aate hai. But one day what happened? A lady named Miss Jonah called it out, junk food. Ek lady aati hai wahan pe, wo isko bolti hai junk food karke usko burger ke liye bolti hai. तो दिस मेड रोजर अपसेट. वो सैड फील हो जाता है कि थोड़ा सा उसको बुरा लगता है. बट देन ही रियलाइज्ड कि दोज हु केम रेगुलरली टू हिज आउटलेट एंड वो देवर टर्न अनहेल्दी. वो देवर टर्निंग मतलब वो फैट हो रहे हैं या फिर वो अनहेल्दी, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है. तो वो रियलाइज करते हैं इस चीज़ को. And he felt very sad. He thought, all this is my fault. I would have served fruit salad, milkshake or vegetable or egg like something healthy food. है ना? मुझे ऐसा कुछ सर करना चाहिए. मुझे इस तरह ये burgers junk food है और ये अगर लोगों की health को नुकसान पहुंचा रहे तो मुझे ये चीज़ नहीं serve करनी चाहिए. तो वो ये डिसाइड करता है एंड देन ही मेड अ प्लान. वो एक प्लान बनाता है. नाउ हाउ हिज प्लान वर्क आउट एंड व्हाट हैपेंड दैट वी विल स्टडी इन दिस रीड इन दिस चैप्टर. ओके, हम ये इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या उसने प्लान करके किस तरह से उसको वर्कआउट किया और कैसे हेल्दी फूड के लिए उसने मोटिवेट किया. है ठीक है? So, take out your English textbook. This is your English textbook. Open page number 102. Open page number 102. Chapter 11, Burgers of Burgerland. Okay. And now, you have to read the chapter with me. Okay. Wherever I am reading, you have to put your finger and read with me. ठीक है ना? आपको मेरे साथ read करना है. Now start reading with me. Once upon a time, there was a food outlet owned by Roger, the master chef. He did everything that he could to make the burgers really delicious. Once upon a time, एक फूड आउटलेट था. आउटलेट मीन्स शॉप. जो एक मास्टर शेफ मीन्स शेफ मीन्स दोस हु कुक फूड. वन हु कुक्स फूड इन अ रेस्टोरेंट. है ना? जो रेस्टोरेंट वगैरह में खाना बनाते हैं. है ना? तो वो एक बहुत मास्टर मीन्स एक्सपर्ट शेफ थे. एंड हिज नेम इज रोजर. है ना? क्या नाम है उनका? रोजर. वो अपने
बर्गर्स बनाते थे. बट वन डे व्हाइल रोजर वाज वेटिंग फॉर द ऑर्डर टू बी प्लेस्ड ही हर्ड मिस जोना कॉल आउट जंक फूड. रोजर वाज सरप्राइज्ड एंड अ लिटिल अपसेट. बट वन डे व्हाट हैपेंड, अ लेडी हुज नेम इज जोना, मिस जोना, वो उसके रेस्टोरेंट पे शी केम एंड शी कॉल्ड आउट जंक फूड. वो उसको बर्गर को जंक फूड बोला उन्होंने. तो एक्चुअली इज अ जंक फूड, है ना, बर्गर इज अ जंक फूड. हमें तो पता है ना ये चीज कि बर्गर जंक फूड है एंड इट बैडली इफेक्ट्स आवर हेल्थ आल्सो. तो वो जंक फूड जैसे ही उसने बोला तो रोजर वाज सरप्राइज एंड वाज लिटिल अपसेट. वो थोड़ा सा अपसेट हो गया, उसको खराब लगा ये सुन के. बट देन ही रियलाइज्ड दैट मेनी पीपल कॉल द बर्गर एंड द फ्राइज जंक फूड. टर्न द पेज. बट देन ही रियलाइज्ड कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये जंक फूड है. नाउ ही अंडरस्टूड व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल हु एट देम रेगुलरली वर टर्निंग अनहेल्दी. अब उसको समझ में आया कि जो रेगुलरली उसका बर्गर खाने आते थे, जो रेगुलर उसके कस्टमर्स थे, वो अनहेल्दी होते जा रहे हैं, उनकी हेल्थ में इश्यूज, हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है. तो अब उसको समझ में आ गई थी वो चीज़. ही फेल्ट सैड, वो दुखी हुआ थोड़ा सा. उसको लगा कि एक्चुअली मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. ही फेल्ट सैड, ऑल दिस इज माई फॉल्ट, I make people ill. How I wish I could serve a fruit salad or a milkshake or some vegetable or simply an egg. They are healthy. अब वो सोचता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है. मैं tasty burgers बनाता हूँ, लोग खाने आते हैं and they became unhealthy. They became उनकी health adversely effect हो रही है ना. तो वो इस चीज को वो समझ नहीं पाता कि वो क्यों इल हो रहे हैं ये चीज. तो वो उसको इस चीज का वो लगता है कि कैसे मैं इस चीज को दूर करूं और मैं उनको फ्रूट सैलेड या कुछ मिल्क शेक इस तरह का हेल्दी, एग या वेजिटेबल्स, कुछ इस तरह की हेल्दी चीज उनको खिला सकूं जिससे वो जो हेल्दी हो खाने के लिए. जस्ट देन नॉट ए लिटिल हैरी who visited the food outlet every day after school, walked in with his father. Roger had an idea. He made a burger look very delicious. Soon it was put on a plate in front of Harry. Just then, वो ये सोच रहा है. Just then what happened? एक student है जो after school every day he visited his outlet. Harry, है ना? His name is Harry. उसका नाम हैरी है और वो डेली उसके फूड आउटलेट पे आफ्टर स्कूल आता है और बर्गर्स एंड ये फ्राइज ये खा के जाता है. वो अपने फादर के साथ आया. रोजर के दिमाग में एक आइडिया था. उसने क्या किया, उसने बर्गर बनाया. इट लुक वेरी डिलीशियस, है ना, बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत ही टेस्टी सा बर्गर है. और वो प्लेट में हैरी के सामने रखा. Roger waited for the first bite. As soon as Harry took his first bite, he screamed, "Dad, this burger doesn't taste good. It is tasteless." तो Roger first bite के लिए wait करता है कि ये मतलब क्योंकि उसने कुछ plan था उसका. उसने देखा वो plan workout होता है कि नहीं होता है. तो Roger उसके first bite के लिए wait करता है. जैसे Harry first bite लेता है तो वो कहता है डैड इट इज टेस्टलेस. वो डिलीशियस नहीं था, टेस्टी नहीं था, वो टेस्टलेस था. इट डजंट टेस्ट गुड, वो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो ऐसे बोलता है. द प्लान वर्क्ड. यही तो प्लान था ना रोजर का कि उसको टेस्टलेस बना देगा वो बर्गर को. तो जो जिनको रेगुलर, क्योंकि वो टेस्टी होते हैं तो रेगुलर जिनको आदत है वो खाना छोड़ देंगे. तो उसका प्लान वर्कआउट कर गया, है ना. रोजर टोल्ड ऑल हिज फ्रेंड्स टू मेक द बर्गर्स टेस्टलेस ईच टाइम दे सॉ अ रेगुलर विजिटर. ही आल्सो टोल्ड
टेस्टी व्हेन समवन विजिटेड द आउटलेट रेयरली. अब रोजर ने अपने सारे फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स मींस जो उसके साथ वर्क करते थे वहां पे, उसने अपने सारे फ्रेंड्स को ये बोल दिया कि वी हैव टू मेक द बर्गर्स टेस्टलेस व्हेन एनी रेगुलर कस्टमर इज कमिंग. कोई रेगुलर कस्टमर आ रहा है तो वी विल मेक आवर बर्गर टेस्टलेस. हम अपना बर्गर टेस्टलेस बनाएंगे. और अगर कोई रेयरली विजिट कर रहा है, मींस कभी है ना, वीकेंड्स पे सैटरडे को आ गया या जैसे बहुत रेयरली कभी, तो उनके लिए हम टेस्टी बर्गर्स बनाएंगे, क्योंकि एक्चुअली तो उनके बर्गर्स डिलीशियस ही होते थे, तो उनके लिए हम टेस्टी बर्गर्स बनाएंगे. उसने अपने फ्रेंड्स को भी बोल दिया. दिस वे द पीपल ऑफ बर्गरलैंड बिगेन टू सी लेसर अनहेल्दी पीपल इन द आउटलेट. और इस तरह से जो बर्गरलैंड के जो लोग थे, उन्होंने देखा बर्गरलैंड उस आउटलेट का जो एक हम नाम सोच सकते हैं, तो उसके जो लोग थे उन्होंने देखा कि अब वहां पे अनहेल्दी पीपल जो थे वो कम हो गए थे. द बर्गर्स वर मोर एंजॉयबल टू टेस्ट फॉर दोस हु हैड इट आफ्टर सम टाइम. मेनी ऑफ द विजिटर्स टर्न्ड हेल्दी बाई गेटिंग टू ईट टेस्टी बर्गर्स. अब क्या हुआ कि द बर्गर्स, और उनके लिए बर्गर्स बहुत इंजॉयबल होते थे, बहुत डिलीशियस होते थे, जो कभी कभी आते थे, है ना. कुछ समय बाद जैसे उन्होंने आना छोड़ दिया, फिर वो कुछ समय बाद आ रहे हैं, तो ये उनके लिए टेस्टी होते थे. द बर्गर्स ऑफ बर्गरलैंड बिकेम मच मोर पॉपुलर फ्रॉम देन ऑन. रोजर एंड हिज फ्रेंड्स वर ग्लैड दैट दे वर एबल टू कीप पीपल बोथ हेल्दी एंड हैप्पी. अब जो बर्गर्स, बर्गरलैंड के जो बर्गर्स थे वो बहुत पॉपुलर अब भी हो ही रहे थे, क्योंकि वो कभी कभी आने वालों के लिए तो टेस्टी होते थे. और उनका जो एम था, उनका जो प्लान था कि लोग अनहेल्दी नहीं हो, लोग बीमार नहीं पड़े, वो भी उन्होंने अपना फुलफिल कर लिया था. तो अब वो खुश थे कि उन्होंने लोगों को हेल्दी भी कर दिया था और वो उनको हैप्पी भी कर पा रहे थे, उनको डिलीशियस बर्गर्स खिला के. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंप्लीट बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर. ओके, हैरी के जो बर्गर थे वो
कभी कभी जो रेयरली आउटलेट में जाते थे उनको कैसे बर्गर्स मिलते थे? यस, उनको तो डिलीशियस बर्गर्स मिलते थे। डिलीशियस बर्गर्स। आई प्रोवाइड यू पीडीएफ आल्सो, है ना? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन सी इन द पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ में आप इसको अच्छे से सब देख लेना। नाउ पेज नंबर 109, पेज नंबर 109 एक्सरसाइज बी इन द वोकैबुलरी एक्सरसाइज word pairs. One has been done for you, है ना? Match. आपको you have to just match the columns. Word pair बनाने के लिए. So, I just dictated you to you. Number one is done. Cup and saucer. Number two, needle. Needle means sewing. Needle and thread. Needle and thread. Number three, spoon. Spoon and fork, bread, and the pair of the bread is butter, lock, key, very simple, shoes, socks, shirt, trousers, day, night. Okay, now you have to write. The numbers are 3, 6, 1, 2, 8, 1, 5, 7. You have to write numbers here. 3, 6, 1, 2, 8, 1, 5, 7. Okay, now take out your English text copy. Now after taking out English text copy, write down day, classwork, now chapter number is chapter 11 and the name of the chapter is burgers of Burgenland. Now, leave one line. After writing the name of the chapter, you have to leave one line. Okay? After leaving the line, write extra questions. Right? Extra questions. है ना, हम first जो करते हैं वो extra questions ही करते हैं text copy में अपनी. Now again leave a line. Now question number one is what did you Miss Jonah
मिस जोना कॉल आउट। आंसर यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, आपको अपने आप आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, ड्यू टू रोजर्स प्लान वर्क, आंसर यू हैव टू गिव द आंसर इन जस्ट यस और नो। व्हाट डिड मिस जोना कॉल आउट, मिस जोना ने क्या बुलाया था, क्या बोला था वहां पे बैठ के बर्गर के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर टू इज डिड जोना रोजर्स प्लान वर्क, क्या रोजर का प्लान सक्सेस हुआ था, तो यस और नो आपको पता है आंसर। ओके नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।